तो बच्चों, अब मैं आपको 15वां अध्याय पढ़ाऊंगी, लेकिन 15वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको इसके पात्र बता देती हूँ कि इस अध्याय में कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले है मीनू, फिर है आशा, माया, मीनू की माँ, अमित, मधु, हॉस्टल की सहेलियां। तो अब हम अध्याय पढ़ेंगे। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थी। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। आखिर मेरठ जाने का दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली, उसका चेहरा खिल उठा। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। वह शुरू से अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ियाँ और चप्पलें खरीदने के लिए कुछ रुपये दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। आग्रह पर का अर्थ हुआ यहाँ पर कहने कहने पर। उसने माया को साथ चलने के लिए कहा। उसने आशा के लिए 4 साड़ियां खरीदी। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर ही रही थी कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एक तक देखता रह गया। अब इसे कहते हैं भाग्य की विडंबना कि बार बार अमित से मीनू का सामना हो रहा था। ये कैसे हालात थे, ये कैसा ईश्वर की विडंबना थी कि अमित और मीनू बार बार एक दूसरे से मिल रहे थे। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही ना मिल पाता था। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एक टक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही हैं। माया उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने इन्हीं में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीदकर वहां से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी। यद्यपि उसे
उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। मीनू जब भी अमित को देखती उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताजा हो जाती। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सबको धोखा दिया था। अब किस तरह से मीनू के भाग्य में ना जाने क्या लिखा था, किस तरह से बार बार अतीत की स्मृतियां बार बार फिर उसकी ताजा हो रही थी। जब जब अमित उसे मिलता तो उसकी अतीत की स्मृतियां फिर से ताजा हो जाती। जब अमित के घर वालों ने उन सबको धोखा दिया था, उसने झूठ बोला था, उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची उसके हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गईं। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोलकर देखी। सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की बोली, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियां खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी हैं? दूसरी बोली, मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई है परंतु तुमने हमें बताया भी नहीं। तीसरी बोली, मीनू कैसे हैं हमारे जीजा जी, उनका फोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें दिखाना फोटो। चौथी बोली, मीनू क्या करते हैं हमारे जीजा जी। पांचवी बोली, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी। ये बातें करके सब हंस पड़ी। इतने सारे प्रश्नों की एक साथ बौछार मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गईं, तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियां उसने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी हैं। एक महीने बाद उसकी शादी है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गईं। अब किसी को साहस नहीं था कि मीनू से कुछ पूछे। लड़कियों का पूरा झुंड वहां से चला गया और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। तो यहाँ पर हमारा 15वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब मैं आपको 16वां अध्याय पढ़ाऊंगी।